Silent children, how are you? I hope you all enjoy the vacation. सबने बहुत मस्ती की होगी दीपावली ब्रेक में, सेफली दीपावली मनाई होगी. अब हम अपनी स्टडी स्टार्ट कर देते हैं. सो इन दिस वीडियो We will talk about sources of water. आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हमको वाटर जो है, पानी है, वो कहाँ कहाँ से मिलता है. आप लोगों को पता है कि आपके घर में टैप है, सभी के घर में. उस टैप को जब हम खोलते हैं, ऑन करते हैं, तो उसमें से पानी आने लगता है. लेकिन उस टैप में, उस नल में भी पानी कहाँ से आता है, ये भी तो हमको पता होना चाहिए ना. अभी तो आप लोग बहुत छोटे हैं, तो आपको पता है कि हम जब भी किचन में जाते हैं, नल चालू करते हैं तो पानी आ जाता है. बाथरूम में जाते हैं, बाथरूम का टैप ऑन करते हैं तो हमको पानी दिखने लगता है, पानी मिल जाता है. लेकिन वो पानी हमारे घरों में कहाँ से आता है, ठीक है? तो वो भी तो हमको पता करना है ना, राइट? तो अभी हम देखते हैं कि व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ वाटर. सो मेन सोर्स ऑफ वाटर इज रेन. हमको पानी कहां से मिलता है? जब बारिश होती है. जब रेनी सीजन में हर जगह बारिश होती है तो वो जो रेन वाटर होता है वो अंडरग्राउंड जमीन के नीचे जाकर इकट्ठा हो जाता है. और जो रेन वाटर होता है वो उससे रिवर्स में भी वाटर लेवल बढ़ जाता है. जो नदियां होती हैं हमारी, आप लोगों ने देखा हो, नोटिस किया हो, तो जब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम समर होता है, गर्मियों के सीजन में कुछ नदियां, जो छोटी छोटी नदियां होती हैं, वो सूख जाती हैं. लेकिन जैसे ही बारिश आती है तो सारे जो रिवर्स हैं उनका वाटर लेवल बढ़ जाता है और पानी ही पानी हो जाता है. पॉन्ड्स में भी बारिश आती है तो पानी भर जाता है. और जो पानी अंडरग्राउंड स्टोर होता है वो कहाँ पर आ जाता है? जो कुएं होते हैं, आप लोगों ने देखा हो तो कुएं में से हम पानी निकालते हैं, तो वो कुएं के अंदर भी पानी आ जाता है. और जो हैंडपंप होते हैं, कुछ बच्चों ने हैंडपंप देखे होंगे और कुछ ने हो सकता है नहीं भी देखे हो, तो हैंडपंप में जो पानी आता है वो भी जब रेन वाटर होता है तो उसका नीचे का वाटर लेवल बढ़ जाता है, तो हम वहां से भी पानी निकाल कर यूज करते हैं. तो मेन सोर्स क्या है वाटर का? रेन. अगर बारिश नहीं होगी तो आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा, देखा होगा कि जब बारिश नहीं होती तो कई जगह क्या हो जाता है, सूखा पड़ जाता है. मतलब लोगों को पानी की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है. उस एरिया में जहां पर बारिश नहीं होती है तो क्या होता है, बहुत ज्यादा सूखा हो जाता है. लोग पानी के लिए परेशान हो जाते हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है. क्योंकि अगर रेन नहीं हुई, बारिश नहीं हुई, तो ना तो अंडरग्राउंड में वाटर स्टोर होगा, ना वाटर लेवल बढ़ेगा, ना नदियों में पानी आएगा. और जब इन सब में पानी नहीं होगा तो हमारे घरों में, नलों में भी पानी कैसे आ पाएगा, कुएं में भी पानी कैसे आ पाएगा. सो रेन इज अ मेन सोर्स ऑफ वाटर. बारिश तो बहुत जरूरी है. जब बारिश बहुत अच्छे से हो जाती है तो वो जो पूरे साल का पानी लोगों के लिए सफिशियंट हो जाता है. और जिस एरिया में बारिश नहीं होती तो वहां पर लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है. रिवर, आप लोगों ने देखी है रिवर? तो रिवर वाटर से भी
उनको पानी मिलता है। अब क्या होता है, रिवर वाटर जहां से रिवर नदी निकलती है, जहां से उसका ओरिजिन हुआ है, वहां तो पानी कैसा होता है, बहुत फ्रेश होता है, प्योर होता है कि हम लोग उस पानी को पी भी सकते हैं। जैसे आप लोगों को दिख रहा है ना, ये नदी का पानी कितना साफ है, एकदम क्लीन है, तो इस पानी को हम पी सकते हैं। लेकिन क्या होता है, जब नदी आगे बढ़ती है और शहरों में भी नदी जाती है, तो लोग क्या करते हैं, उसको रिवर को पॉल्यूटेड कर देते हैं, गंदा कर देते हैं नदी के पानी को। कैसे कर देते हैं, उसमें वेस्ट मटेरियल थ्रो कर देते हैं, अपने घर का कुछ भी गंदगी फेंक दी, फूल पत्तियां फेंक दी, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, गंदा सामान होता है, वो भी इसमें थ्रो कर देते हैं। तो वो पानी कैसा हो जाता है, अनसेफ, प्योर नहीं होता वो पानी। उस पानी को हम फिर पी नहीं सकते, क्योंकि वो पानी कैसा हो जाता है, गंदा हो जाता है। वहीं कुछ लोग अपने एनिमल्स को ले जाके नहलाते हैं, तो हम ऐसे पानी को नहीं पी सकते क्योंकि वो गंदा हो गया है, पॉल्यूटेड हो गया है वाटर। तो हम किस जगह का पानी पी सकते हैं, जहां पर, जहां से नदी ने बहना स्टार्ट किया है, वहां पर क्या होता है, पानी एकदम प्योर होता है, क्योंकि यहाँ पर गंदगी फैलाने वाली कोई चीज नहीं है, यहाँ पर आके कोई गंदगी नहीं फैला रहा। जैसे ही लेकिन रिवर सिटीज में एंटर करती है, नदियां जो शहरों में हैं, वहां पर लोग गंदगी फैला के इसको गंदा कर देते हैं, वाटर को पॉल्यूटेड कर देते हैं। पॉन्ड, आप लोगों ने देखा होगा, कई जगह हम जाते हैं तो छोटे छोटे पॉन्ड हमको दिखाई देते हैं। पॉन्ड मतलब तालाब, जहां पर छोटी सी जगह, इसमें पानी इकट्ठा हो जाता है। तो इस पॉन्ड वाटर का भी, तालाब के पानी का भी यूज करते हैं लोग। किस काम में यूज करते हैं, अपने अपने एनिमल्स को ले जाते हैं, वहां एनिमल्स जाके पानी पी लेते हैं। एनिमल्स, एनिमल्स को भी तो पानी पीने के लिए कुछ चाहिए ना प्लेस, एनिमल्स पानी पी लेते हैं, एनिमल्स को नहला भी देते हैं, और कुछ लोगों की खेतों में भी इससे पानी की सप्लाई कर देते हैं। वेल, अभी मैम ने बात की थी ना, वेल मीन्स कुआ। किस किसने देखा है कुआ, काफी बच्चों ने देखा है और काफी बच्चों ने नहीं देखा है। इस कुएं में क्या होता है, इसको खोदते जाते हैं जहां तक उसका पानी का लेवल हमको नहीं मिलता है, और फिर उसके ऊपर ये इस तरीके से इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, बना देते हैं, और फिर उसमें ये बकेट डाल के हम पानी को ऊपर खींच लेते हैं। इस पानी का भी हम यूज करते हैं। और इस कुएं में भी पानी कहाँ से आता है, रेन वाटर, बारिश होती है तो ये इसका लेवल भी बढ़ जाता है, और पूरा गर्मियों में हम इस पानी का यूज करते हैं, स्पेशली गांव में कुएं के पानी का यूज ज्यादा होता है। हैंडपंप, ये हैंडपंप से भी पानी आता है, ये इसका हैंडल है, इसको जब हम प्रेस करते हैं तो उसमें से भी पानी निकलता है। इसमें पानी कहाँ से आता है, नीचे जब बारिश का पानी अंडरग्राउंड जाके इकट्ठा हो जाता है तो वाटर लेवल बढ़ जाता है, और जब हम इस तरीके से हैंडपंप लगाते हैं खुदाई करके, तो उस हैंडपंप से भी हमको पानी मिलता है। राइट, सो दीज आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वॉटर। सो रिवर इज द मेन सोर्स ऑफ वॉटर, रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वॉटर। रेन हो गया, रिवर हो गया, पॉन्ड हो गया, हैंडपंप हो गया, वेल यानी कि कुआ हो गया, ये बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज हैं जहां से हमको पानी मिलता है। नाउ वी विल सी वन वीडियो।
related to sources of water. We will see one video. Where do we get water from? We get water mainly from rain. The rainwater collects in rivers lakes, streams, and ponds. We make wells to use this water. We take out this water by using a hand pump and tube well. We store water in tanks on the roof in our house. Pipes bring this water to our taps. At home, when we open a tap, the water comes gushing out. Drink clean water. This water is not clean water. So, before we drink this water, we must make sure that it is clean, or else we can get sick. Do not waste water. Water is precious. Do not waste it. Keep the tap closed when you are not using it. Place a bucket under leaking pipes to collect the water. Use the water with which you wash vegetables to water the plants in the garden. For more entertainment, log on and subscribe to Where do we get water from? Yes. We get water mainly from rain. तो आपने ये वीडियो देखा? एक बार फिर से मैम इस वीडियो को रिपीट कर रही है और आपको एक्सप्लेन कर रही है. क्या हो रहा है इस पिक्चर में, आप लोग देख के बता सकते हैं मैम को? क्या दिख रहा है आपको इस पिक्चर में? कि इस पिक्चर में दिख रहा है कि बारिश हो रही है. एंड वी गेट वाटर फ्रॉम रेन. बारिश से हमको पानी मिलता है. और वो पानी फिर कहाँ जाकर कलेक्ट होता है देखते हैं अभी हम. The rainwater collects in rivers, lakes, streams, and ponds. और जो रेन वाटर है अभी मैम ने आपको दिखाया था स्लाइड में कि वो रेन वाटर कहाँ जाके इकट्ठा हो जाता है. बारिश का पानी कहाँ जाके इकट्ठा होता है? नदियों में, तालाबों में, लेक्स जो झील होती हैं, ये सारा रेन वाटर वहां जाकर इकट्ठा हो जाता है. क्योंकि जब बारिश होती है तो वो पानी बहकर कहीं ना कहीं तो जाएगा ना. तो ये जो मैम ने बताए हैं अभी आपको, रिवर्स, लेक्स, स्ट्रीम, पॉन्ड, मतलब नदियों में, झीलों में, तालाबों में, वो रेन वाटर जाकर इकट्ठा हो जाता है. और रेन वाटर नीचे भी, धरती के नीचे, जमीन के नीचे भी जाकर इकट्ठा हो जाता है. We make wells to use this water. और हम लोग जो अंडरग्राउंड वाटर इकट्ठा हो गया है उसको हम कैसे यूज करते हैं? उसको यूज करने के लिए हम वेल बनाते हैं, कुएं बनाते हैं, राइट? तो वहां से हम जो अंडरग्राउंड वाटर इकट्ठा हुआ है जमीन के नीचे, उस पानी का हम यूज कर सकते हैं. Take out this water by using a hand pump and tube well. जो पानी हमारा जमीन के नीचे इकट्ठा हुआ है उसको हम कैसे यूज कर पाते हैं? कुएं बनाकर, ट्यूबवेल के द्वारा और हैंडपंप से. जो नीचे पानी इकट्ठा हुआ है उसको हम इस तरीके से बाद में यूज कर सकते हैं. We store water in tanks on the roof in our house. और हम घर में यूज करने के लिए वाटर को कहाँ स्टोर करते हैं? आप लोगों ने देखा होगा आपके घरों के ऊपर इस तरीके से बड़े बड़े टैंक रखे हुए हैं. उसमें हम क्या करते हैं? वाटर को स्टोर करते हैं. जो घरों में हम पानी यूज करते हैं
उसको हम किस तरीके से यूज करते हैं कि हम टैंक में वाटर को कलेक्ट करते हैं. Pipes bring this water to our tap. और वहां से जो ऊपर बड़े बड़े टैंक बने होते हैं वहां से वाटर कैसे आता है हमारे घरों के अंदर. पाइप्स लगे होते हैं उसके थ्रू ये वाटर हमारे घर में सप्लाई होता है. At home, when we open a tap, the water comes gushing out. Drink clean water. This water. अच्छा, इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? जल्दी से बताइए मैं आपको. क्या ये वाटर साफ दिख रहा है आपको, क्लीन दिख रहा है? नो. इस वाटर में कितनी गंदगी दिखाई दे रही है. तो क्या हमको इस टाइप का वाटर पीना चाहिए? क्या ये गंदा पानी हम पी सकते हैं? नहीं. अगर हम ये गंदा पानी पिएंगे तो क्या होगा, हम बीमार पड़ जाएंगे. तो हमेशा हमको देखकर क्लीन वाटर ही, फिल्टर वाटर ही पीना चाहिए. नहीं तो ये गंदा पानी अगर हमने पी लिया देन वी मे फॉल सिक. तो इट्स नॉट क्लीन वाटर. सो बिफोर वी ड्रिंक दिस, हमको दिख रहा है ना इस ग्लास में कि कुछ कुछ गंदगी ऊपर से पानी के ऊपर आ गई है, कुछ कलर भी चेंज हो गया है वाटर का. तो हमको इस तरीके का डर्टी वाटर नहीं पीना है. दिस वाटर वी मस्ट मेक श्योर दैट इट इज क्लीन और एल्स वी कैन गेट सिक. डू नॉट वेस्ट वाटर. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि हमको वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए. बिल्कुल भी वाटर को, पानी को वेस्ट नहीं करना है. क्योंकि बहुत सी जगह ऐसी है जहां पर बारिश नहीं होती, लोगों को पानी नहीं मिलता और वो बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं. कितनी दूर जा जाके लाइन में लगकर पानी लेके आते हैं बड़ी मुश्किल से. और जब अगर हमारे पास पानी है तो हमको उसको सेव करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए. वेस्ट कैसे कि जी हमने टैप खोल के छोड़ दिया और हम अपना काम कर रहे हैं. जब अगर हमको जरूरत नहीं है तो हमको टैप को क्लोज करना है, ओपन करके नहीं छोड़ना है. Water is precious. Do not waste it. Keep the tap closed when you are not using it. Place a bucket under leaking pipes. जब हम यूज नहीं कर रहे हैं तो हमको मेक श्योर करना है कि टैप को हम क्लोज करके रखें, ओपन करके नहीं छोड़ना है. और अगर घर में कोई पाइप लीक कर रहा है तो उसको हमको रिपेयर कराना चाहिए और उसके नीचे कुछ बकेट रख देना चाहिए जिससे पानी इधर उधर वेस्ट ना हो और बकेट के पानी का हम बाद में यूज कर पाए. टू कलेक्ट द वाटर, यूज द वाटर विद व्हिच यू वॉश बेड. अच्छा, घर में भी आप लोगों ने देखा होगा कि किचन में भी उस पानी का बहुत यूज होता है. जब हम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स को वॉश करते हैं तो हमको किसकी जरूरत पड़ती है? पानी की जरूरत पड़ती है. तो जब भी हम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को किचन में वॉश करते हैं तो उस पानी को भी हमको वेस्ट नहीं करना है, उसको हमको दूसरे कामों में हम यूज कर सकते हैं. तो हम उसका क्या यूज कर सकते हैं जो किचन में हम फ्रूट्स और वेजिटेबल वॉश कर रहे हैं, देखते हैं हम आगे. To water the plants in the garden. जो हमने किचन में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वॉश करने के लिए जो पानी यूज किया था उसको हम फेंकने के बजाय कहाँ यूज कर सकते हैं? उस पानी को हम गार्डन में यूज कर सकते हैं. जो हमारे घर में गार्डन है, पॉट्स हैं, प्लांट्स हैं, उस पानी को हम गार्डन में डालकर यूज कर सकते हैं. For more entertainment, log on and subscribe to www.. Alright, तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं. पानी को हमको वेस्ट नहीं करना है, सेव करना है, क्योंकि बहुत ही प्रेशियस है, कीमती है. क्योंकि जिसको पानी नहीं मिलता है वो बहुत परेशान होता है. तो अगर हमारे पास पानी है तो हमको उसको प्रॉपरली यूज करना है, सेव करते हुए, अननेसेसरी उसको हमको वेस्ट नहीं करना. ओके, नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो.
एंड वी विल कंक्लूड अवर वीडियो विद शांति पाठ. Shanti, Shanti, Shanti. Sai Ram.